पूर्वांचल का मोर्चा संभालने के लिए अपनी संसदीय सीट वाराणसी को अपना केंद्र बनाया है। वहीं से रुककर पूर्वांचल की बची हुई सीटों के लिए पार्टी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। 3 मार्च को छठे चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री ने 7वें चरण के लिए भाजपा के पक्ष में जबरदस्त प्रचार किया और 4 मार्च को वाराणसी में रोड शो करके विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराया। हालांकि मोदी के रोड शो के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में रोड शो किया। इनके रोड शो में भी जनसैलाब नजर आया। राज्य में बीजेपी के मुकाबले सपा गठबंधन ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ता दिख रहा है और भाजपा लीडरशिप भी इस चुनाव में सपा गठबंधन से ही चुनौती मिलती मान रहा है। राज्य की 339 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। प्रदेश की 2/3 से अधिक सीटों पर हुए मतदान के आधार पर ही बीजेपी और सपा गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में सपा गठबंधन और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला है। ऐसे में सभी सीटों पर मतदान होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और बीजेपी के शीर्ष नेता आखिरी चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं सपा गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने भी 3 दिनों से पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है। आखिरी चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की। इस पूरे चुनाव में बसपा कहीं भी मजबूती से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करती नजर नहीं आई, जिसकी वजह से राज्य में 4थे चरण के मतदान के 1 दिन पहले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़ा कि यूपी में बसपा भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे उनका मकसद दलित वोटों के सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जाने से रोकना रहा होगा। लेकिन बीजेपी अगुवाई का ये फॉर्मूला भी सफल नहीं रहा। मायावती के शाह की तारीफ के बाद दलित बसपा से और नाराज हो गए। उसे लगने लगा कि बसपा कहीं न कहीं भाजपा की मदद करना चाहती है। वैसे 7वें और आखिरी चरण में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि इस चरण की कमान खुद पीएम ने संभाल रखी है। बीजेपी ने पहले चरण के मतदान के समय से ही अपने 80-20 समेत अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को प्रभावी करने की कोशिश की। इसके साथ ही दलित और पिछड़ा वर्ग के मतों में विभाजन का भी प्रयास किया, लेकिन ये मुद्दे प्रभावी होते नजर नहीं आए। अब फिलहाल बीजेपी लीडरशिप ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी का मुद्दा अपनी सभाओं में प्रमुखता के साथ उठा रही है। गरीबों को मुफ्त राशन, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी भाजपा लीडरशिप विपक्ष पर हमलावर है। हालांकि भाजपा ने मार्च तक ही मुफ्त राशन योजना बनाए रखने की बात कही है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि राज्य में सपा गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार अभी तक लगभग 10 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इस संबंध में सामाजिक संस्था बहुजन भारत के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस कंवर फतेह बहादुर का कहना है कि पूर्वांचल के अधिकांश सीटों पर दलितों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज की आबादी निर्णायक है। इन्हीं वोटों के गठबंधन के सहारे बसपा लंबे समय तक इस क्षेत्र में एक तरफा जीत हासिल करती रही। दुर्भाग्यवश बसपा प्रमुख मायावती जी अपने इस मूल मकसद से पीछे हट गई हैं। भाजपा 2017 में पार्टी की लहर के बावजूद आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर जिले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति में आखिरी चरण में सपा गठबंधन के पक्ष में ही माहौल दिख रहा है। टोटल न्यूज के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।